Hello everyone, on behalf of Gate Academy team, I wish each and every woman a very happy Women's Day. As we all know ki aaj ka din hum celebrate karte hain globally, basically to respect women, to show our gratitude towards women and basically to honor them for their achievements in various fields, be it in arts, culture, literature, स्पोर्ट्स, एरोनॉटिक्स एंड मेनी अदर सच फील्ड्स. ये हमें दर्शाता है कि अगर वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए विद द हार्ड वर्क, परसिवेरेंस एंड ग्रेट पोटेंशियल, दे कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट द क्वेश्चन कम्स, आर वी गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन? नो एंड समटाइम्स नेवर. स्पेसिफिकली जब हम लोग बात करते हैं टू अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर Women's are not given equal opportunity of birth. Women's are not given equal opportunity of education. Women's are not given equal opportunity at their workplace. And sometimes women are not given equal opportunity of the same pay scale. तो हर बार जब हम वुमेन्स डे की बात करते हैं, हम सॉर्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की क्यों बात करते हैं? हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं एम्पावरिंग वुमेन. इतना क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वुमेन एम्पावरमेंट? क्यों हर साल हम लोग इस 21st सेंचुरी में, इन दिस प्रेजेंट एरा, व्हेन वी कंसिडर आर सेल्व्स टू बी मॉडर्न, व्हाई वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एवरी टाइम? बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट ना सिर्फ हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो फिर करनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट? बिल्कुल की जाती है वुमेन एम्पावरमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग योजनास, सेमिनार्स, वेरियस प्रोग्राम्स. बट द थिंग इज, ये प्रॉपरली कहीं ना कहीं इसका एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता. कहीं ना कहीं आज भी हम मैक्सिमम बात ही कर पाते वुमेन एम्पावरमेंट की, सिर्फ बातें ही कर पाते, बिकॉज द प्रायर रिक्वायरमेंट इज टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी की माइंडसेट चेंज करना इज द नीड ऑफ द आवर. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी इज द प्रायर रिक्वायरमेंट एंड इट कैन बी चेंज्ड ओनली विद द राइट एडुकेशन. उसके बाद अगर मैं बात करती हूं 2021 हमारे वुमेन्स डे के बारे में, तो दिस वुमेन्स डे, द थीम ऑफ दिस वुमेन्स डे इज चूज टू चैलेंज. अब क्या चूज करना है, क्या चैलेंज करना है, ये समथिंग लगता है, व्हाट टू चैलेंज, इट्स समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. डेफिनेटली यू हैव टू चूज, बट व्हाट? ओवर द टाइम हमने चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है द वे दिस सोसाइटी ट्रीट्स अस, इवन दो वी डिजर्व टू बी ट्रीटेड बेटर. हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है द जेंडर इनइक्वालिटी, द रेसिज्म. हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि हमारा करियर कोई और चूज करेगा. हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस पेट्रियार्चल सोसाइटी. एंड इन द एंड हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि मेन हमसे ज्यादा सुपीरियर होते हैं और उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए. बिकॉज मेनी अ टाइम्स सम पेरेंट्स थिंक्स दैट ओके फाइन, फॉर मेन द मोस्ट प्रायर रिक्वायरमेंट इज जॉब, बट फॉर अ गर्ल द प्रायर रिक्वायरमेंट दैट शी शुड बी एजुकेटेड बट शी शुड गेट मैरिड एंड सेटल्ड. दे कुड बी अ रिक्वायरमेंट नोन एज जॉब, but no, marriage is something which is vital importance to a girl. Why this sort of discrimination? Or humne over the time isko seekh liya hai compromise karna. Acceptance compromise ban gaya hai, but ab nahi. This is the need of the hour ki hume in sab cheezon ko challenge karna hai. हमें चैलेंज करना है वो सब चीजें जो हमारे अराउंड गलत हो रही है. हमें चैलेंज करना है जेंडर इनइक्वालिटी को. हमें चैलेंज करना है ये सब स्टीरियोटाइप्स को जो हमारे अराउंड सर्कुलेट हो रहे हैं. हमें चैलेंज करना है वो सब चीजें जो हमारी सेल्फ डिग्निटी को हार्म कर रही है. हमें चैलेंज करना है वो सब चीजें जो हमारे राइट टू एडुकेशन, राइट टू परस्यू ऑफ करियर के लिए हिंड्रेंस है. सो इस वुमेन्स डे I, Richa Gupta, raise my hand high and choose to challenge. I'm raising my hand high
and I pledge to empower myself and the women fraternity of the country. और इसके साथ मैं आप सबको अर्ज करती हूँ, be it men, women, everybody who is listening to me, कि इस Women's Day आप भी कुछ ऐसा कीजिए, चैलेंज कीजिए आपके फेरी फेरी में जो गलत हो रहा है. सो ऑन द एंडिंग नोट आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट दिस वुमेन्स डे मेक योर कलीग, फ्रेंड्स, योर मदर, डॉटर, एनी ऑफ एनी पीपल, एनी बडी हुम यू नो, एनी वुमेन, मेक देम फील स्पेशल, अप्रिशिएट देम, ग्रीट देम, अप्रिशिएट फॉर देयर डीड्स, अप्रिशिएट देम फॉर देयर हार्ड वर्क, नर्चर देम, care for them. These are the small things which makes a woman happy. That's it. This is the small things which brings a smile on her face. Because every woman is special and they deserve respect. Thank you.